और मेरे सूर्यवीरों कैसे हो। तो आज हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और ये उस तरह के ट्रांसलेशन वाली रूल नहीं है जो कि और सब क्लासेज में बताया जाता है जो आप लोग जूनियर से पढ़ते चले आए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा। हम यहाँ पर सीखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरह से कौन तरह के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करते हैं। देखो पहली चीज तो ये आती है कि अगर स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर ये आप लोगों को पहले ही पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट फिर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसा जूनियर में पढ़े होगे 6, 7, 8, 9, 10 में सब में पढ़े होगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सही है ना। तो क्लास शुरू होने के पहले जितने लोग लाइव आ गए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ओके तो क्लास पूरी लीजिएगा। आज के वीडियो में जो मैं 10 रूल बताने वाला हूं ये अगर आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको ट्रांसलेशन में भी दिक्कत नहीं होगी और साथ में सिंटेक्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक भी रूल मिस ना कीजिएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना है ना। फिर देखो क्या है, जैसे पहला देखो रूल, पहला रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में किसी हैबिचुअल एक्शन की बात की गई हो या फिर कोई रेगुलर काम हो या कोई ऐसा काम हो जो रिपीटेड होता हो यानी बार बार होता हो तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट होते हैं। क्लियर है इतना। एग्जांपल देखो, जैसे दिया मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश जो है वो 10 बजे सोने जाता है। टू बेड का मतलब होगा बिस्तर पर जाने का मतलब क्या, सोने जाता है। तो ये इसका क्या है, ये इसका रेगुलर का काम है, ये इसका डेली का काम है। तो यहां पर देखो ये यूज हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, तो इसका मतलब हो गया वह हमेशा रविवार को यहां आता है, वह रविवार को हमेशा यहां आता है। क्लियर है बात इतनी। तो यहां पर देखो ये काम क्या है, रेगुलर होता है। ही रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह अखबार पढ़ती है। तो इसका मतलब ये इसकी हैबिट है पढ़ने की। तो यानी अगर कोई भी हैबिचुअल एक्शन होता है या फिर कोई रेगुलर एक्शन होता है या फिर कोई ऐसा काम जो एक रिपीटेड मतलब एक टाइम इंटरवल पे होता है तो वो ट्रांसलेट होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे देखो, ही टेक्स टी विदाउट शुगर, वह बिना शुगर की चाय पीता है या लेता है। तो यहां पर क्या बात हो गई, यहां पर देखो तो इसका मतलब क्या, ये उसकी हैबिट है ना। तो ये किसमें ट्रांसलेट हुआ, सिंपल प्रेजेंट में। आई गेट अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 5 बजे उठता हूं, यानी मैं प्रत्येक सुबह 5 बजे उठता हूं। तो ये मेरी क्या है, आदत है। तो जो भी आदत होगी या रेगुलर इंटरवल पे कोई काम हो रहा होगा या रिपीटेड टाइम यानी कहने का मतलब बार बार हो रहा होगा तो उसे हम ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। थोड़ी सी बात ये समझ लो कि अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आए एडवर्ब, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब अगर आता है तो वो ट्रांसलेट होता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। जैसे कौन कौन से वर्ड आने चाहिए, अगर ऑलवेज आए, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, हैबिचुअली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, या वंस अ वीक, वंस अ मंथ, या ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, या फिर थ्राइस अ मंथ, थ्राइस अ डे, या थ्राइस अ वीक, इस तरह कुछ भी चीजें आती हैं। तो ये चीज याद रखो कि ये इस तरह वर्ड ये कहां आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जनरली यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये दिया गया, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट, वह अक्सर रात में यहां आता है, सॉरी हमेशा, ऑलवेज हो गया हमेशा, तो वह हमेशा रात में यहां आता है। ही ऑफन कम्स हेयर एट नाइट, वह अक्सर रात को यहां आता है। ही रेयरली कम्स हेयर एट नाइट,
वह मुश्किल से रात को यहाँ आता है, यानी कभी कभी आता है ना। ही सेल्डम कम्स हियर एट नाइट, वह कभी कभार आता है। कहने का मतलब ये रोज तो नहीं आता, लेकिन एक टाइम इंटरवल पे वो आया करता है। तो यहाँ पर सेल्डम यूज हुआ। उसके बाद ही नेवर कम्स हियर एट नाइट, वह यहाँ रात में कभी नहीं आता है। तो देखो ये सारी चीजें जो यूज हुई, ये क्या हुआ, ये सारी चीजें यूज होने के बाद ये सेंटेंस किस में ट्रांसलेट हुए, सारे के सारे सेंटेंस यूज हुए प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के। एक चीज और देखो, ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, ये सब किसके पहले है, वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले आते हैं। ये भी जान लीजिए कि ये सारे के सारे मेन वर्ब के पहले आते हैं। जनरली हम लोग ट्रांसलेशन में क्या करते हैं कि ऑलवेज, डेली, ऑफन, ये सब हम लास्ट में लेके जाते हैं, जबकि ये क्या करना है आपको, वर्ब के पहले लगाना, मेन वर्ब के पहले। तो ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, क्लियर है बात। और ये सारे वर्ड में और कंफ्यूजन तो करो ही ना कि जीएमआर अगर आया तो ये जब यूज होंगे, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होंगे, क्लियर है इतनी बात। तो अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ठीक है, लिख लिया है जिन लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हैं तो इसकी नोट्स जो है वो आपको जब ये पूरा टॉपिक टेंस, टाइम एंड टेंस का पूरा हो जाएगा तो ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको मिल जाएंगे ये व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, अगर आप कहेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी आपके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा, क्लियर है बात। तो चलो इतनी चीज समझ में आ गई, फिर आगे देखते हैं अगले रूल पे। अगला रूल ये दिया गया कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। अब ये सोचोगे ये कौन सी चीज होती है सार्वभौमिक सत्य, बहुत से लोग जानते भी होंगे, या इसको कहीं कहीं लिखा जाता है नैसर्गिक सत्य, ये क्या होता है भाई। अब ये इतनी कह दो, इतनी हिंदी तो आती ही नहीं और मुझे भी नहीं आती इतनी हिंदी। तो यहां पर क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब बस सीधी सी ये बात जानो कि अगर कोई भी काम ऐसा है जिसको जो होता है अक्सर और हम लोग नहीं चेंज कर सकते, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये बताओ भाई जितने लोग ऑनलाइन हो कोई ऐसा है जो सूर्य को पश्चिम से निकाल सकता है, नहीं निकाल सकते। जैसे कि एक सेंटेंस होता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कोई है जो चक्कर को रोक सकता है, हम या जितने लोग ऑनलाइन हो या जितने लोग वीडियो देख रहे हो, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे वो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे। फिर आता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, यानी सिद्धांत क्या चीज है, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़े ना, क्या होता है कि जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो उससे कुछ जल बाहर आता है, वो जो जल बाहर आता है उसका भार जो होता है डुबोए हुए वस्तु के बराबर होता है, भार के बराबर होता है, यही तो पढ़े हैं, फिलहाल वो हम बाद में डिस्कस करेंगे साइंस के टर्म में। अभी यहां पर प्रिंसिपल का मतलब ये समझ में आ गया ना कि साइंस के टर्म हो गए, मैथमेटिकल टर्म हो गए, तो जो भी प्रिंसिपल यानी सिद्धांत दिए गए हैं वो। और उसके अलावा परमानेंट एक्टिविटीज जो हैं, परमानेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी काम रेगुलरली होते रहते हैं, तो ये सारे के सारे ट्रांसलेट होते हैं किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्लियर है बात इतनी, समझ में आ रही है, नहीं समझ में आता तो और एग्जांपल देखो। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात, जैसे कि मैंने बताया था क्या होता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कोई भी होगा तो ये समझ लो कि वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट होगा। अगला अच्छा जैसे देखना हो, प्रिंसिपल क्या है, अगर मान लो कोई सिद्धांत है या कुछ भी इस तरह से जो कि साइंटिफिक रीजन हो, तो वहां पर क्या होता है, जैसे कहा जाए कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो साइंस का टर्म है, तो क्या हो जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर कोई भी प्रिंसिपल आता है या फिर कोई परमानेंट एक्टिविटी आती है, परमानेंट एक्टिविटी क्या हो सकता है, जैसे कि अगर ये कहना हो कि गंगा जो है वो हिमालय से
निकलती हैं, है ना, यानी गंगा की जो धारा है वो हिमालय से निकलती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द गंगेस, द गंगेस क्या, द गंगा जो भी लिखना चाहो, द गंगेस स्प्रिंग, SPRINGS स्प्रिंग्स, द गंगेस स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, फ्रॉम द हिमालयाज, तो क्या है कि गंगा जो है, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है, तो ये क्या है, परमानेंट एक्टिविटी है भाई, अक्सर हमेशा वहाँ से निकला करती है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या प्रिंसिपल, जैसे अच्छा ये एक चीज़ और भी बताना है, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि टू एंड टू, तो यहाँ पर ये बताना था कि भाई मेक होगा या मेक्स होगा, टू एंड टू मेक या मेक्स फोर, बताइए। जिन लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उनको अच्छे से पता है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े, अगर दो नाउन एंड से जुड़े तो उनके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उसके हिसाब से मेक होना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखो तो ये एक मैथमेटिकल टर्म भी तो है, यानी ये सही बात भी तो है, टू एंड टू, तो यहाँ पर मेक्स का यूज भी हो सकता है, यानी दोनों अगर एक ही तरह की चीज़ें एंड से जुड़ें तो वर्ब सिंगुलर भी ले सकती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मेक का यूज भी सही होगा और मेक्स का यूज भी सही होगा, यानी टू एंड टू मेक फोर या टू एंड टू मेक्स फोर। समझ में आ गई बात भाई? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बार बार देखो, हम ये पढ़े थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन यह भी पढ़ा था कि अगर दो एक ही तरह के नाउन एंड से जुड़े तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। फिर यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई प्रिंसिपल हो तो उसके साथ भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट होगा, तो टू एंड टू मेक्स फोर, क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म है। क्लियर है बात इतनी? चलो आगे देखते हैं अगला रूल क्या है। अगला रूल ये कह रहा है कि अगर कोई पोजेशन आए, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कोई अधिकार, पोजेशन अगर बताना हो यानी कोई अधिकार अगर किसी पर व्यक्त करना हो तो वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें अधिकार बताना हो, समझ में आ रही बात? अच्छा नहीं समझ में आती तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, जैसे अगर ये कहना हो कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो क्या कहेंगे, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अब देखो यहाँ पर दिस पेन बिलोंग्स, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया ना मैंने कि ये पेन जो है ये मेरा है, भाई तुम लोगों में से किसी का तो नहीं है, चलो ठीक है, तो ये पेन मेरा है, क्या है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा है। समझ आ गई बात? अच्छा जैसे ये कहना हो कि मेरे पास एक साइकिल है तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ साइकिल। अब यहाँ देखो हैव का यूज हुआ, ये हैव जो है ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो हो जाएगा आई हैव अ साइकिल। समझ में आई बात? जैसे अगर ये कहें कि उसकी, उसने एक बिल्डिंग ली है, यानी ये बताना उसकी खुद की बिल्डिंग है, तो क्या बताएगा, ही ओन्स अ बिग बिल्डिंग, He owns a big building। समझ में आ गई बात कि अगर हमें किसी चीज पे अधिकार बताना होगा तो वो चीज हमेशा हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं अगला रूल, देखना क्या है। अगर कोई मेंटल एक्टिविटी हो, अगर कोई मेंटल एक्टिविटी हो या इमोशंस हो या फिर फीलिंग्स हो, इन सब के बारे में बात करनी हो तो भी हम उसे सिंपल प्रेजेंट में ही बात करेंगे। अब ये सोचो कैसे, जैसे अगर ये कहना हो कि हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हम भगवान में विश्वास रखते हैं, तो ये क्या हमारे इमोशन है, हमारी फीलिंग्स है, हमारी मेंटल एक्टिविटी है, तो इस तरह हम इसको क्या लिखेंगे कि वी बिलीव इन गॉड। हो गई बात?
तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी फीलिंग है, हमारे इमोशन है, हमारे हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर हुई बात इतनी? अच्छा, अगर ये दिक्कत हो रही हो कि किसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, किसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाएंगे, तो वो लोग भी कमेंट में बता दें, है ना। तो अगली जो मतलब जब ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो ट्रांसलेशन में पहले आपको हम उस तरह के टेंस भी पढ़ा देंगे। क्लियर है? फिलहाल ये पूरा समझ लीजिए, ये आपके सिंटेक्स में बहुत काम आने वाला है, और साथ में ये भी यूज करना सीख जाएंगे कि कहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अगला देखो, इसमें एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे ये कहना हो कि ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम, ही अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम। अब ये क्या है, वह मेरी दिक्कत समझता है, वो मेरी प्रॉब्लम समझता है, तो मतलब क्या है, फीलिंग ही तो है, तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, अंडरस्टैंड्स। और एग्जांपल दें। अच्छा, ये कहता हूं, आई थिंक शी इज ऑलवेज रॉन्ग, शी इज ऑलवेज रॉन्ग। अब ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी सोच है या मेंटल एक्टिविटी है, क्या है, आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं कि शी इज ऑलवेज रॉन्ग, कि वह हमेशा गलत रहती है, कि वह हमेशा से गलत है। बात आई समझ में? तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, तो ये हमारी क्या है, मेंटल एक्टिविटी है। तो समझ में आ गई होगी बात, कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है, और ये इतने समझदार हो आप कि खुद से समझ जाओगे कि कौन सी मेंटल एक्टिविटी है, कौन सा इमोशन है, और कौन से सेंटेंस में फीलिंग है। अगर तब भी नहीं समझ में आता तो कुछ वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वहाँ से अगर आपको ये दिखे बस समझ जाइए कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट होगा। जैसे एक वर्ड आता है नोटिस, ठीक, अगर नोटिस वर्ड आए तो ये समझ जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज होगा। जैसे आ जाए रिकॉग्नाइज, फिर आ जाए सी, हियर, स्मेल, साफ दिखाई तो दे रहा है, अपीयर, लुक, सीम, वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, ऐसे बहुत से वर्ड हैं, अंडरस्टैंड, उसके अलावा और कोई वर्ड है, बिलीव हो गया, एग्री हो गया, या फिर ट्रस्ट हो गया, रिमेम्बर हो गया, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होते हैं। इनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होगा, तो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो, जैसे एक ही हो गया अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, यह हम बात करेंगे जब हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, तो हम आपको वर्ब जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ पर किसका यूज होगा। लेकिन फिलहाल अभी आप टेंस पढ़ रहे हैं तो इतना समझिए कि अगर ये सारी चीज़ें आती है, मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस या फीलिंग्स, तो वो सेंटेंस ट्रांसलेट होगा केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। क्लियर है बात इतनी? चलो आगे देखते हैं, अगला रूल देखो। अगला रूल ये कहता है कि आने वाले समय में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम, देखो क्या है, आने वाले समय में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम, प्रोग्राम की स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, PROGRAMME, तो आने वाले समय में जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं या फिक्स प्लान होते हैं, उनके लिए भी केवल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज होता है। और इनसे जान, तो ये सेंटेंस जब मतलब पढ़ेंगे तो ये सेंटेंस फ्यूचर से पता लगेगा कि ये फ्यूचर टाइम की बात है। नहीं समझ में आ रहा? तो चलो देखो, जैसे अगर ये कहना हो कि स्कूल
पुनः अक्टूबर में खुलेगा। अगर ये कहना हो स्कूल पुनः अक्टूबर में खुलेगा तो हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, लास्ट में गा गी गे आ गया तो उसे हम फ्यूचर में लेके चले जाते हैं, फ्यूचर विलियर स्टाइल यूज करके। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये फिक्स प्रोग्राम है कि हाँ अक्टूबर में खुलेगा तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे सेंटेंस लिख के देखते हैं, द स्कूल रीओपन्स इन, द स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, यानी क्या हो जाएगा कि स्कूल पुनः अक्टूबर में खुलेगा, ना कि यहां होगा खुलता है। बात आई समझ में? अगर कोई भी सेंटेंस इस तरह का आए जिससे यह पता लगे कि ये फ्यूचर का प्लान है और ये फिक्स है काम, तो वो यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये एग्जांपल देख लियो कि द स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्कूल अक्टूबर में खुलता है नहीं, स्कूल अक्टूबर में पुनः खुलेगा। ये आप लोगों ने भी देखा होगा है ना, जब भी छुट्टी होती है तो ये नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है इंडेफिनिट में ही। एक और सेंटेंस बताते हैं, जैसे आ गया कि वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा, तो इसका मतलब ये प्लान फिक्स है, ये प्लान फिक्स है चेन्नई जाने का। तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू चेन्नई, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। बताओ भाई समझ में आ रहा है, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, क्लियर है बात इतनी? यानी फिक्स प्लान था इसलिए ट्रांसलेट हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक और देखो, जैसे वह अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए जाएगा, तो हो जाएगा ही गोज टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे, ही गोज टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे। जैसे ये कहना हो कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे तो उनका फिक्स प्लान है, तो हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर, कल आएंगे तो टुमारो। समझ आई बात? तो कोई भी फिक्स प्लान हो ये क्या होगा, अच्छा कोई भी फिक्स प्लान हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में तो नहीं जाएगा। ऐसे एक जगह और, जैसे अगर ये कहना हो कि मेरा भाई कल लौटेगा, अगर फिक्स है तो मेरा भाई कल लौटेगा, तो हो जाएगा माय ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, माय ब्रदर रिटर्न्स टुमारो। बताओ समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत है इसमें? अगर इस तरह का कोई भी चीज आए जो कि फ्यूचर का प्री प्लान हो यानी फिक्स प्लान हो, तो वो इंडेफिनिट में ना जाके किस में आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। समझ में आ गया? एक चीज और देख लो, जैसे ये होता है, नोट करके लिख देते हैं, ये जान लो कि अगर मान लो कोई भी, कैसे पहचानेंगे हम, जैसे अगर कोई भी फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो, क्या हो, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, अब ये पहचान लेते हैं ये कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे कि आ गया टुमारो, ठीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, है ना, या फिर कहा जाए इन जनवरी, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, अगर इस तरह चीजें, या फिर कहा जाए ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, अगर ये सारी चीजें आती हैं और ये फ्यूचर के लिए प्लान की गई बातें हैं, तो ये हमेशा इनमें निश्चित रूप से ये जान लो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। बात आ रही समझ में? ठीक, जैसे अब ये एग्जांपल देना हो कि मैं इस संडे यानी अगले संडे सुबह 10 बजे आपसे लाइव मिलने आऊंगा, तो हो जाएगा आई कम लाइव
एट 10 AM ऑन संडे। समझ में आ गया, क्योंकि ये फिक्स प्लान है भाई, संडे को तो लाइव आना ना सुबह 10 बजे, तो आप लोग भी आइएगा मिलने। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत हो तो बताइए इस सेंटेंस में। ठीक, आगे देखते हैं। अगला देखो कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस मैंने पढ़ा दिया है, एक वीडियो कंडीशनल सेंटेंस की पढ़ी हुई है ट्रांसलेशन वाले सेक्शन में, वहाँ से जाके कंडीशनल सेंटेंस एक बार जो पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लें, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पे जो आई वाला बटन दिख रहा है, इस आई वाले बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में फिर भी थोड़ी सी बात यहाँ बता देता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस अगर आए तो कंडीशनल सेंटेंस में देखो दो पार्ट होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में जैसे कि कोई भी इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, इन केस, है ना, इनसे स्टार्ट होते हैं। तो अगर इस तरह कोई भी आए तो ये क्या होते हैं कि ये होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो हमेशा ट्रांसलेट होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो स्ट्रक्चर देख लो, यानी ये तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, और फ्यूचर में विल या शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अच्छा एग्जाम्पल बता देते हैं ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप कहोगे सर आप एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल हो गया जैसे ये कहा जाए कि इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यू विल विन द रेस। बात समझो, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। यहाँ पर हमको क्या समझना है, अगर जिसके साथ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो क्या होगा, वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर टेंस में। इतनी बात आ गई समझ में, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हिंदी भी देखो बता दे रहा हूँ, ये कहा भी था प्राची ने कि सर सेंटेंस की हिंदी भी बता दीजिए करिए, इसलिए मैं हिंदी भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक, बाकी लिख नहीं रहा हूँ इसमें क्या है, इफ़ यू रन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ते हो यू विल विन द रेस, तो आप रेस जीत जाओगे। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये कहना हो कि व्हेन ही कम्स हियर, व्हेन ही कम्स हेयर। अब देखो वेन का यूज हुआ, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अब इसके बाद जो आएगा वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और वो किस में ट्रांसलेट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, सिंपल फ्यूचर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेन ही कम्स हेयर ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, क्या है, अगर वो यहाँ आता है तो वह मेरी मदद करेगा। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है ना कि यदि वह यहाँ आता है तो वह मेरी मदद करेगा, सही है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये कह दिया जाए कि अनलेस शी वर्क्स, तो यही समझ लो पहले, अनलेस आया तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया अनलेस शी वर्क्स हार्ड, यद्यपि वह कठिन मेहनत करती है, है ना, फिर क्या हो जाएगा, शी विल नॉट सक्सीड, शी प्रिंसिपल हो गया तो फ्यूचर में, शी विल नॉट सक्सीड। ठीक, अनलेस निगेटिव वर्ड है, अनलेस शी वर्क्स हार्ड, यानी यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करती तो शी विल नॉट सक्सीड, तो वह सफल नहीं होगी।
तो यहाँ देखो इफ आया, व्हेन आया, अनलेस आया, तो ये आप पहचान सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस वाली वीडियो देखिए, वहाँ से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर कंडीशनल सेंटेंस आता है तो उनके साथ हमेशा क्या यूज होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो प्रिंसिपल क्लाउज होगा वो ट्रांसलेट होगा उसमें यूज होगा सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है बात इतनी? कोई दिक्कत हो तो बताइए, समझ में आ रहा है? चलो ठीक, आगे अगला रूल बताएं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल देखो भाई, अगला रूल दिया गया है कि हेयर देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। पक्की बात है कि ये रूल बहुत ही कम लोगों को पता होगा। हेयर देयर से अगर स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं। अब ये कौन सी बात हुई, इसका भी एग्जांपल देख लो। जैसे ये कहना हो हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस, और एक्सक्लेमेशन साइन, तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? अब एक्सक्लेमेशन में पूछोगे कि यहाँ बस आती है, यहाँ बस आती है, तो कुछ आश्चर्य से पूछोगे तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। तो देखो हेयर और देयर के साथ, ठीक। उसके बाद एक और, चलो देयर का बता देते हैं कि देयर गोज द बस। देखो लिख लो देयर गोज द बस, इसकी और एक्सक्लेमेशन साइन, तो एक्सक्लेमेटरी है और हेयर और देयर का यूज हुआ है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। तो कि मैं बस अमेरिका से गया था, तो तुम पूछोगे नहीं अच्छा वहाँ बस जाती है, तो यानी यहाँ पर हो गया देयर अगर आया और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ तो वो यूज होगा केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर हो गई बात? इतने में कोई दिक्कत हो बताइए, जी है ना? चलो ठीक है, आगे देखो भाई। जितने लोग देख रहे हो, किसी ने अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दो, ठीक है। अगला रूल देखो, अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसमें लाइव टेलीकास्ट की बात करनी हो, लाइव टेलीकास्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि क्रिकेट कमेंट्री हो, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का आंखों देखा हाल हो, जैसे कि मैच हो या कोई आयोजन हो या कोई कार्यक्रम हो या कोई फिल्म हो या कोई सीरियल हो, है ना, चाहे वो रेडियो पे हो या टेलीविजन पे हो, तो उस सेंटेंस जो होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं, ठीक। तो लाइव टेलीकास्ट जितने होंगे वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल आ गया कि कोहली रन्स आफ्टर द बॉल। अब देखो कोहली गेंद के पीछे दौड़ता है, इसका मतलब क्या है, कोहली गेंद के पीछे दौड़ रहा है क्योंकि ये लाइव कमेंट्री चल रही है। अगर जैसे आईपीएल चल रहा है तो इंग्लिश कमेंट्री सुनिएगा, तो उसमें देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा यूज किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, सिंपल प्रेजेंट का, क्यों, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना। या फिर हम ही कोई बात करते हैं और किसी को कोई चीज़ देख के बताते हैं तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, जैसे कोई सेंटेंस बोल के देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कोहली गेंद के पीछे दौड़ता है और कैचेज इट, इसका मतलब इसे पकड़ता है, कैचेज इट पकड़ता है और फिर उसके बाद थ्रो फेंकता है, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। अब इतनी बात देखो, कोहली रन्स दौड़ता है, कैचेस पकड़ता है, थ्रोस फेंकता है, तो ये क्या है, लाइव कमेंट्री है। तो जब भी कोई चीज लाइव होगा तो वहां पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा, सही है। जैसे अच्छा ये कहना हो, अभी एक अगर मान लो कोई फिल्म है और उसमें कोई हमारे जान पहचान का या हमारे भाई या चाचा ताऊ कोई भी किसी ने एक्टिंग किया हो, तो क्या कहोगे कि इसमें मेरे चाचा ने एक्टिंग किया है? नहीं, अगर फिल्म चल रही है तो बोलोगे कि ये इसमें मेरे चाचा हैं,
इस फिल्म में। तो इस तरह की अगर चीजें आती हैं, जैसे अगर फिल्म के बारे में बताना हो तो क्या हो जाएगा, इन दिस फिल्म माय एल्डर ब्रदर, इन दिस फिल्म माय एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ राम। इस फिल्म में मेरे भाई ने राम का रोल यानी राम का अभिनय किया है, मेरे बड़े भाई ने, एल्डर ब्रदर ना, तो बड़े भाई ने। बात आ गई समझ में इतनी? तो अगर कोई भी पढ़ने के हिसाब से ना जाइएगा, बस इतना समझ लीजिए कि अगर वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हम आंखों देखा हाल बता रहे हैं, तो वो सेंटेंस पूरे सारे के सारे जो होंगे सेंटेंस, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। क्लियर बात इतनी? चलो आगे देखते हैं। अगला रूल ये है कि स्टेटमेंट ऑफ अ राइटर, यानी लेखक की कोई कही हुई बात, अगर लेखक ने कोई भी बात कही है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे आप लोगों ने हिंदी में ही संदर्भ प्रसंग और व्याख्या किया होगा, तो उसमें आप लोग लिखते हैं लेखक कहता है, ये तो बोलते हैं लेखक कहता है कि यह धरती बहुत सुंदर है। तो सेंटेंस क्या, लेखक कहता है, तो जो सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं। समझ आ रही बात? तो यानी लेखक का जो भी स्टेटमेंट होगा, लेखक ने जो भी बात कही होगी, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहना हो कि जॉन कीट्स के बारे में सुने हैं, जॉन कीट्स, जैसे कीट्स सेज, कॉमन इन्विटेड, अरे कोई भी कर सकते हो, है ना, जिसके बारे में भी आपको जानकारी हो, तो ये हो जाएगा कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। समझ में बात? क्या है, किड्स कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कि जैसे सुंदरता की कोई चीज हो तो उसका आनंद हमेशा होता है। बात आई समझ में? तो यानी कोई भी अगर स्टेटमेंट राइटर का होगा तो वो ट्रांसलेट होगा, वो यूज होगा केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आज देखो, अब ये गोल्डन रूल समझो, ये बहुत यूज होता है। ये क्या है कि अगर कोई पास्ट हिस्ट्री की बात है, कोई पास्ट का इवेंट है, है ना, और उसे लाइव बताना हो या उसे ताजा करके बताना हो, जैसे अगर हम किसी पर्दे पे दिखा रहे हैं, कोई मंचन हो रहा है ना, तो वहां पर अगर हम उसका उसके बारे में ऐसा कमेंट्री समझ लो, जैसा पिछला रूल बताया था, बिल्कुल वही है, है ना, कि अगर कोई हिस्ट्री की कोई भी पास्ट इवेंट की घटना है उसको लाइव दिखाना हो या फिर उसे ताजा बनाकर बताना हो, तो हम उसे उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक, जैसे, अच्छा ये सोचो कैसे, जैसे अगर क्या आ गया कि एट लास्ट, हम लोग रामलीला देखे हो तो उसमें कहते हैं और अंत में, अंततः राम रावण को मारते हैं, तो क्या बोलते हैं, एट लीस्ट राम किल्स रावणा। ठीक, एट लीस्ट राम किल्स रावणा, इसका मतलब हो गया अंततः राम रावण को मार देते हैं, बस कहानी खत्म हो जाती है, ऐसे ही तो बोलते हैं। बात आती समझ में ना? फील करो, केवल फील करोगे, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इंग्लिश को फील करो, है ना। एक और, अच्छा चलो बता देते हैं, जैसे सेंटेंस है कि बाबर का नाम सुने हो, बाबर क्या होता है, क्रॉसेस द प्लेन्स इब्राहिम अपोजेस हिम विद अ
लार्ज आर्मी। अब देखो क्या है तो पांच करना, बाबर तो अब जिन्ना है नहीं, तो ये बाबर की कहानी बताई जा रही है कि फिर बाबर जो है वो पठारों को पार करता है और इब्राहिम अपने सैनिकों के साथ उसे रोकता है, यानी उसका विरोध करता है। तो यहाँ पर देखो है तो पास्ट की बात ना, लेकिन क्या है इसको हमें कहानी की तरह सुनाना है, तो इसलिए हम इसे लाइव या ताज़ा करके अगर हम बताना चाहें तो वो पास्ट का कोई भी इवेंट होगा तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो ये पूरी बात हो गई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल इतने ही रूल, 10 रूल हैं, इतने में ही हो सकते हैं, है ना। अगर जो लोग ये पढ़ाते हैं कि 10 मिनट के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में पूरा टेंस सीखिए, तो टेंस कोई भी टॉपिक आप 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको चाहिए होगा टाइम। तो इस तरह के वीडियो से बच के ही रहें, 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे एक दिन में कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता। क्लियर है बात इतनी? तो पूरी चीज़ें डिटेल में पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप कहीं पर भी जुड़ सकते हैं हमसे, वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा संडे को सुबह 10 बजे मैं आपसे आऊँगा लाइव बात करने, और उसके बाद शाम को 4 बजे होगा जो टॉपिक इस हफ्ते पूरा पढ़ाया जाएगा उसका होगा लाइव टेस्ट। तो जितने लोग भी आ रहे हैं वो ज़रूर संडे को मिलेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और जो लोग लाइव हैं अगर किसी का मैंने नाम नहीं लिया या फिर, तो इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं क्योंकि सबकी क्लास जल्दी ख़त्म करनी है, अगर मैं नाम लेता रहूँगा तो आपकी जो या 40 मिनट की क्लास है 45 मिनट की, ये क्लास पूरी होगी 1.5 घंटे में, तो इसलिए यहाँ पर क्लास में नाम लेना ठीक नहीं लगता सब लोगों का, है ना। अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो वहाँ पर मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लास लेते रहिए, बाकी समस्या का समाधान तो संडे को होगा ही, मैं वहाँ तो आपसे ही बात करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।